दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम फास्टैग के बारे में। यहाँ पर आप उसे क्लोज किस तरीके से करेंगे और क्लोज करने के बाद आपका जो भी फास्टैग का बैलेंस है वो आपको तुरंत मिलेगा या कब तक मिलेगा या किस तरीके से मिलेगा, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो अपनी चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आ जाना है अपनी पेटीएम एप्लीकेशन में। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है मैनेज फास्टैग। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है मैनेज फास्टैग, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी एक से दो अकाउंट पहले भी क्लोज किए हैं। पूरा तजुर्बा है कि आप किस तरीके से करेंगे, तो वीडियो में आप बने रहिए। यहाँ पर आपको जो भी फास्टैग क्लोज करना है उसको आपको यहाँ पर आपके जो नंबर है गाड़ी का उस पर ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे ये वाला ले लेता हूँ, ये पहला वाला जो कि एक्टिव है, इसे हमें क्लोज करना है तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको और कहीं टैप नहीं करना, यहाँ पर व्यू ऑल इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको एक परेशानी मिलती है, यहाँ पर आपको क्लोज फास्टैग ये वाला ऑप्शन अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कुछ दिन से कि यहाँ पर जो फास्टैग क्लोज फास्टैग का जो ऑप्शन होता है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, जैसे कि मेरे को ही नहीं दिख रहा है। तो आप उसे क्लोज कैसे करेंगे ये मेन बात है। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको उस पर क्लिक करना है। फिर आपको वहाँ पर 5 से 6 रीजन देखने को मिलेंगे कि किस वजह से आप अपना फास्टैग क्लोज कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपको फास्टैग इज़ नॉट यूज इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो 3 दिन के अंदर आपका जो भी फास्टैग बैलेंस होगा वो आपको रिफंड दिया जाएगा और आपका फास्टैग क्लोज हो जाएगा। सिंपल तरीका है, अगर आपको क्लोज फास्टैग का ऑप्शन दिखता है तो। यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा है तो किस तरीके से आप उसका हल निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है आपके पास, लिंक विद अदर वॉलेट और दूसरा है चेंज व्हीकल नंबर। यहाँ पर आपको क्या होगा कि अगर आप मान लीजिए कि अपनी गाड़ी आप बेच रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लिंक विद अदर वॉलेट इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जो भी सामने वाले का नंबर है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। पेटीएम का जो भी नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है और आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद आप उसके फ़ोन में जो पेटीएम एप्लीकेशन है वहाँ पर एक मैसेज जाएगा, उसमें एक लिंक आएगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका जो भी पूरा कंट्रोल है बैलेंस डालने का, मतलब कि जो भी देखने का वगैरह वगैरह, वो सारा कंट्रोल उस नंबर पर चला जाएगा। तो आपका काम मतलब कि हो जाएगा कुछ इस तरीके से कि आपका फास्टैग मतलब कि क्लोज हो चुका है, सेम वैसे तरीके से पूरा जो कंट्रोल है वो सामने वाली पार्टी के पास चला जाएगा। तो ये था पहला ऑप्शन। और अगर आप दूसरा व्हीकल ले रहे हैं तब आपको क्या करना है, यहाँ पर चेंज व्हीकल नंबर, ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूसरी गाड़ी ले रहे हैं तो आपका फास्टैग भले ही ये रहा, आपको क्या करना है यहाँ पर इंटर न्यू व्हीकल नंबर, जो भी आपका नया व्हीकल है उसका नंबर यहाँ पर डाल देना है, RC के फोटोज यहाँ पर डाल देनी है। तो यहाँ पर आपका फास्टैग जो है वो वही रहेगा, लेकिन जो आपका व्हीकल का नंबर है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इतना लिख के आपको सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आपको फास्टैग को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर जो भी आपकी परेशानी है उसका हल इस तरीके से मिल सकता है। लेकिन अगर आपको क्लोज फास्टैग का ऑप्शन मिलता है तब तो ये कोई झंझट ही नहीं है, आप वहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके जैसा कि मैंने बताया आप क्लोज कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर ऑप्शन दिख रहा है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको एक और वीडियो के माध्यम से बता सकूं कि किस तरीके से क्लोज करेंगे। और अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से डाउट है या कुछ भी अगर आपका सवाल है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।